हाय माय लवली फूडीज, वेलकम टू माय चैनल डीएनडी ढाबा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशरूम की बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही डिलीशियस सब्जी, जिसे आप कुकर में फटाफट से आसानी से बना पाएंगी। और इसे बनाना इतना आसान है और इंग्रेडिएंट्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाना है देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मशरूम्स की सब्जी हम कुकर में बना रहे हैं, तो सबसे पहले कुकर को गरम कर लें। गरम होने के बाद इसमें डाल लें 1 लेडल ऑयल, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल इसमें डाल सकती हैं। उसके बाद जैसे ही ऑयल गरम हो जाए, उसके बाद डालें आप 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ही मस्टर्ड। जैसे वो तड़क जाए, उसके बाद आप डालें 6 से 7 हरी मिर्चें, जिसे आप फाइनली चॉप करके डालें। फिर डालें आप थोड़े से लहसुन, मतलब मैंने यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसे मैंने फाइनली चॉप करके इसमें डाला है। आपको इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे चॉप कर भी डाल सकते हैं। जैसे वो थोड़े से लाल हो जाए, उसके बाद आप डाल लें फाइनली चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के अनियन, इसे भी आप सुनहरा होने तक पका लें। जैसे ही आपके अनियन गोल्डन ब्राउन होने तक आ जाए, मतलब इस स्टेज तक पहुंच जाए, आपको उतना प्याज को पका लेना है। ये देखिए, इस स्टेज तक आपको अनियन को पका लेना है। इसके बाद आप डाल लें 4 से 5 मीडियम साइज़ के टोमेटो, जिसे मैंने ऐसे रफली चॉप करके डाला है, क्योंकि टोमेटो जैसे जैसे ऑयल में धीरे धीरे पकेंगे ना, उसका जो स्वाद है वो मशरूम में बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे चॉप करके इसे डाल लें, और उसके बाद जैसे आप टोमेटो डालें, उसके बाद आप डाल लें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते बराबर टमाटर को अच्छे से पक जाने दें। जैसे ही आपके टोमेटो हल्के से पक जाएं, उसके बाद डालने सारे ड्राई मसाले, जैसे मैंने धनिया, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये इतने ही इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। ये सब डालने के बाद आप सारे मसालों को अच्छे से पका लें। 2 से 3 मिनट मसालों को पकाते हुए हुआ है, और देखिए मसाला कितने अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए कलर भी कितना बढ़िया है। इसी के बाद हम डाल लेंगे अपने मशरूम। तो यहाँ मैंने मशरूम को 250 ग्राम डाला है, साथ ही साथ मैंने थोड़े से फ्रोज़न मटर भी डाले। अगर आपके पास फ्रेश पीस है तो वो आप यहाँ पे डाल सकती हैं। अब मशरूम और मटर को मसालों में और ऑयल में अच्छे से भुन जाने दें। तो देखिए 5 मिनट में ही जो ऑयल है वो कितना अच्छे से सेपरेट हो गया। इसके बाद आप डाल लें थोड़ा सा पानी। अब जो ग्रेवी है आप अपने अकॉर्डिंग पतली गाढ़ी रख सकती हैं। ग्रेवी को एडजस्ट करने के बाद ही तुरंत लगा दें कुकर का लिड, और इसमें कम से कम 4 से 5 विसल आने दें। जैसे ही 4 से 5 विसल आ जाएगी, आपकी जो मशरूम की सब्जी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से और डिलीशियस बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कुकर का लिड मैंने हटा दिया है, हमारी सब्जी कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो यहाँ मैंने मशरूम की सब्जी की ग्रेवी को देखिए थोड़ा पतला रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना पतली ग्रेवी इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी गाढ़ी पतली कर सकती हैं। तो चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मशरूम और मटर कुकर में फटाफट बनकर तैयार हो गए। आपने देखा ही होगा कि इस रेसिपी को बनाना कितना आसान है। तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है ना, तो फटाफट से अपने किचन में इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।